जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। दोस्तों यहाँ पे Vivo का Z1 Pro, वैसे Z है, Z बोलते हैं तो Z1 Pro भी बोल सकते हैं आप, ये लॉन्च हो चुका है। और ये फोन सीधा कॉम्पिटिटर है किसका, इन दोनों फोन का, एक है आपका Realme 3 Pro और एक है आपका Redmi Note 7 Pro। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था तो काफी लोगों ने वोट किया यहाँ पे आप सब ने, तो यहाँ पे देख के ऐसा लगता है आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड है इसमें। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग Vivo के ऐसे हिस्ट्री की बात करें तो वो लोग क्या करते थे, पैसे काफ़ी ज़्यादा लेते थे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पैसे कम ले रहे हैं आपसे। और ये थोड़ा सा ना ऐसे लेटेस्ट फ़ोन हो जाता है जिसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है। सेम ऐसी डिस्प्ले मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने गैलेक्सी M40 में, तो यहाँ पे ये दिखने में अट्रैक्टिव तो लगता है, थोड़ा अलग लगता है, इसलिए आपको अट्रैक्टिव भी लगता है। बाकी ये डिस्प्ले जो आपकी एक IPS LCD डिस्प्ले है, तो यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले एमोलेड में देना इस प्राइस में आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लोग इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपका यूज़ हुआ स्नैपड्रैगन का 712। तो ये ना ऐसे पहली बार यूज़ किया गया है तो ऐसे बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं प्रोसेसर ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपका जो Realme 3 Pro है इसमें यूज़ हुआ है 710 और आपका Redmi Note 7 Pro में यूज़ हुआ है 675 स्नैपड्रैगन का। तो ये जो तीनों प्रोसेसर है ना, ये तीनों प्रोसेसर में ऐसे जमीन आसमान का फ़र्क नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे प्रोसेसर के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में नॉर्मली सब बात नहीं करते और आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो जो ये 712 है, ये यहाँ पे 710 से ऐसे बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, यहाँ पे सेम प्रोसेसर है दोनों। मेरे कहने का मतलब ये दोनों ही प्रोसेसर में सब कुछ सेम है, दोनों ही आपका क्या क्रायो 360 बेस्ड है, दोनों के दोनों प्रोसेसर आपका 10 नैनोमीटर पर काम करते हैं। बस फर्क क्या है कि जो आपका 712 है इसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, आपका 712 की आपकी क्या है 2.3, वहीं पे आपके 710 की 2.2 है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली तो फर्क ही नहीं पता लगेगा, लेकिन ये काम कब आएगा, जब ऐसे आप तो तगड़े वाला काम करते हैं ना, या PUBG खेलते हैं, जब आपका फोन यहाँ पे काफी हाई लेवल परफॉर्मेंस मांगता है, तो वहां पे ये हाई एफिशिएंसी वाला कोर काम आता है, वरना इसका कोई आपको फर्क बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, तो चाहे आपका 675 हो, चाहे 7110 हो, चाहे आपका 712 हो, तीनों अच्छे प्रोसेसर हैं। अब डिपेंड करता है किसने कितनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके दे रखा, वही वाला सबसे अच्छा काम करने वाला है। बाकी यहाँ पे Vivo Z1 ने क्या कर रखा है, इसमें मल्टी टर्बो गेमिंग का ऑप्शन वगैरह दे रखा। तो ये ऑप्शन क्या करता है, जब भी आपके गेमिंग के काम पड़ेगा, यानी कि जब भी फोन यहाँ पे क्या होगा ऐसे हैवी काम करना होगा, हैवी गेम खेलेंगे ना, तो ये क्या करता है प्रोसेसर को इस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देता है कि आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके। बाकी जब इसको टेस्ट किया जाता है तब पता लगता है किसमें कितना दम है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप ऐसे कमेंट काफी सारे करोगे ना तो इसको हम अपने चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं अनबॉक्सिंग नहीं दिया मैंने, तो हमारे पास अगर फोन यहाँ पे 11 तारीख को यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाने वाला है, उसके बाद हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके बताना आप चाहते हैं कि नहीं। बाकी इसमें दोस्तों एक और बात है कि कैमरा वगैरह का सेटअप तो काफी अच्छा दे रखा, और ये फोन ऐसे ना टिकटॉक वालों के लिए वरदान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओप्पो वीवो क्या करते हैं, ऐसे रंग बिरंगे कलर डाल के कई सारे ऑप्शन देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ना टिकटॉक वालों के लिए ऐसे कह सकते हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। और क्योंकि ऐसे इस फोन को ना गेम के लिए स्पेशली बनाया गया, तो यहाँ पे ऐसे पूरा बंदोबस्त कर रखा कि आदमी दिन भर गेम खेले कुछ ना करे। मेरे कहने का वाला, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, ये काफी प्लस पॉइंट है, और साथ में आपको मिल जाता है 18W का फास्ट चार्जर। और अभी आ जाते हैं उस बात पे जिस बात पे ऐसे वीडियो को डिसलाइक मिलता है कि अगर किसी फोन की बुराई करो, तो यहाँ पे एक चीज मुझे वाकई में कमी लगी और बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पे ना किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। यहाँ पे मैंने यहाँ पे काफी डिटेल चेक करने की कोशिश की, कहीं नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती आपको स्क्रीन पे। तो ये मेरी यहाँ पे शिकायत है Vivo वाले से कि यहाँ पे प्रोटेक्शन तो आपको देना ही चाहिए था, फुली लोडेड फोन दे रहे हो तो ये चीज दे देना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का ना देना, ये मुझे काफी बड़ी कमी लगी। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी ऐसे दो चार चीजें हो रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें आपको टाइप सी यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता, साथ में आपको क्या नहीं मिलता, कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती, और साथ में आपको ऐसे कोई ग्लास बॉडी नहीं मिलती। तो ये ऐसे जो लास्ट के तीन बताए मैंने, ये कोई ऐसे बड़ी कमी नहीं होती, ये आपके पसंद के ऊपर होता हमेशा। तो अगर इस फोन के बारे में मैं एकदम फाइनल बताऊं तो आपको ये वाकई में ये फोन ऐसे अपने प्राइस के हिसाब से कंप्लीट पैकेज इसको कह सकते हैं बिल्कुल इस फोन को। बाकी ऐसे जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी फोन आया तो जितनी वीडियो आपके सामने आ रही है ना, तो उसमें ऐसे थोड़ी सी सच्चाई नहीं बताई जाती। तो आप थोड़ा सा रुक के थोड़ा रिसर्च करके, आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोज आने वाली है, कुछ ऐसे ऑनेस्टी के साथ वीडियो लाते हैं, तो सारी वीडियो देख के उसके बाद आप इस फोन को बिंदास ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।